जी लगातार डॉट इन के लिए उदय शंकर जामताड़ा से मैं आपका परिचय कराता हूं। सीबीएसई 10वीं बोर्ड की परीक्षा में जिला टॉपर रही कंचन प्रभा रानी से। कंचन, आप बताएं, इस परीक्षा में आपने बेहतर मार्क्स अर्जित किया है, इस मार्क्स को अर्जित करने के लिए आपकी सफलता में कितनी मेहनत रही होगी? मैंने डेली पढ़ाई की थी, मतलब डेली कंसिस्टेंसी के साथ। अगर बच्चे थोड़ा थोड़ा करके ही पढ़े तो फिर लास्ट में मेहनत नहीं करना पड़ेगा। लास्ट में जैसे कि प्रेशर होने के कारण बच्चे ठीक से पढ़ नहीं पाते हैं, तो फिर डेली जो पढ़ता है उसका मतलब कोई दिक्कत नहीं होता लास्ट में। और सफलता मेरे पीछे एक राज है कि चार तरीका होता है, चार स्टेप होता है पढ़ाई का, पठन पाठन चिंतन और मनन। ये चार तरीका से जो जाता है वो जरूर फर्स्ट होता है, वो जरूर मतलब अच्छे नंबर से पास हो जाता है। इस परीक्षा में जिन छात्रों ने कम मार्क्स अर्जित किया है उनके लिए आपका क्या मैसेज होगा? उनके लिए बस मैं इतना ही कहना चाहूँगी कि उन लोगों का इसमें कोई दोष नहीं है, क्योंकि असली परीक्षा हुआ नहीं है। सीबीएसई ने कई तरह के क्राइटेरिया के हिसाब से नंबर दिए हैं, तो फिर वो बस आगे अब बस मेहनत करते जाएं और आगे की तैयारी करते चले जाएं। आगे क्या करना है पढ़ लिख के मुझे डॉक्टर बनना है, ताकि इस तरह का सिचुएशन कभी हुआ तो हम उसमें मदद कर पाएँ। समाज सेवा भी करना है डॉक्टर बन के, और साथ ही साथ मैं इसी फील्ड में जाना चाहती हूँ, क्योंकि ये सबसे बड़ा मतलब इसमें ये फील्ड में सब डॉक्टर पे ही, आखिरकार सब डॉक्टर पे ही डिपेंड करता है लाइफ सबका। कोरोना के कारण पढ़ाई भी प्रभावित हुआ है कई लोगों का, कई बच्चों के पास ऑनलाइन क्लासेज के लिए संसाधन नहीं है। कितना चुनौती रहा कोरोना में पढ़ाई करना? कोरोना में पढ़ाई करने का तो बहुत चुनौती रहा, क्योंकि ये तो पहला एक्सपीरियंस था हमारा, 10वीं भी था इसमें। हमें सारे बच्चे को लग रहा था कि बोर्ड्स होंगे कि नहीं होंगे। फिर लास्ट में जब न्यूज आए कि बोर्ड्स नहीं होंगे तो फिर सब डर गए थे कि क्या होगा, कैसे मार्क्स मिलेगा। बट अभी सब कुछ ठीक है उस हिसाब से। और इस साल मतलब सबको दिक्कत हुआ है, कभी नेटवर्क कनेक्शन का दिक्कत होता था तो कभी मतलब स्कूल में ही, यही सब इस साल मतलब सबको दिक्कत हुआ है। और धीरे धीरे सबको ऑनलाइन का आदत हो रहा है, पर फिर भी थोड़ा समय तो लगेगा ही। जी धन्यवाद। न्यूज अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहे लगातार डॉट इन के साथ।